Welcome everyone. In this video, we are going to continue our part 3, that is the story of human evolution. And in this, we will study about the modern human beings, okay? That is Homo sapiens, जो modern human beings है, उनके बारे में हम इस topic में पढ़ते हैं. तो चलिए. देखिए, if you look at this chart, अगर हम ये chart देखिए ध्यान से. अगर हम इस चार्ट को एक बार के लिए देख लेते हैं, सो यहां पर देखिए हमें मिलेगा वेयर, ओके, वेयर के बाद हमें देखने को मिल रहा है व्हेन, कब और कहां पर. तो ये सब हमें देखने को मिलेगा इस चार्ट के अंदर. सो लेट्स सी, देखिए कहां पर यूथोपिया की अगर हम बात करते हैं तो वो था 1,95,000 ईयर्स से लेके 1,60,000 ईयर्स तक. इज दैट क्लियर? इसके बाद देखते हैं साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका की जो टाइमलाइन है, अगर हम फॉसिल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो है 1,20,000 से लेके 50,000. सो देखिए, आपको यहाँ पर एक एक बात याद नहीं करनी है, आपको जस्ट एक समरी याद करनी है कि जैसे पहले यूथोपिया अफ्रीका में मिला था, सेकेंड भी अफ्रीका में, और धीरे धीरे ये लोग ट्रांसफर कर रहे थे अपना यूरोप तक. ओके, तो ये लोग अपना ट्रांसफर कर चुके थे यूरोप तक. इज दैट क्लियर? तो ये लोग अपना ट्रांसफर कर चुके थे यूरोप तक. So let's see. अगर हम इस चार्ट की तरफ देखते हैं तो हमारे पास पता लगता है कि होमो सेपियंस किस किस पार्ट में हमें मिले हैं अफ्रीका के अलावा. सो आगे चलते हैं. द इशू ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस हैज बीन डिबेटेड. देखिए, बहुत सारी डिबेट हुई है मॉडर्न ह्यूमंस के ओरिजिन के लिए, ये बहुत ज्यादा डिबेट हुई है. टू टोटली डाइवर्जेंट आइडियाज, देखिए दो आइडियाज हमारे पास आए हैं बेसिकली, और वो भी दोनों अलग अलग. इज दैट क्लियर? वन एडवोकेटिंग द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल. तो याद रखिएगा, इन दोनों मॉडल्स को आप दिमाग में रखिएगा. एक है हमारे पास रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल विद मल्टीपल ओरिजन रीजन्स ऑफ ओरिजन, एंड अदर इज रिप्लेसमेंट मॉडल विद सिंगल ओरिजन इन अफ्रीका. तो बहुत ही सिंपल है दोनों वैसे, अगर आप ध्यान से समझें, और दोनों इतने ज़्यादा सिंपल हैं कि जस्ट थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ये समझ में आ जाएगा. अगर हम रीजनल कंटिन्यूटी की बात करते हैं, देखिए अगर हम रीजनल कंटिन्यूटी की बात करते हैं, अगर हम रीजनल कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास जो होमो सेपियंस है वो माने गए हैं कि डिफरेंट ओरिजिन उनका हुआ है अलग अलग जगह पर, और बाद में वो धीरे धीरे और ज्यादा अपनी पॉपुलेशन बढ़ा पाए. और दूसरी तरफ जो दूसरी थ्योरी है, दैट इज रिप्लेसमेंट मॉडल. सो रिप्लेसमेंट मॉडल क्या बताता है कि इन सभी का ओरिजिन हुआ है अफ्रीका के अंदर, और इन सभी ने माइग्रेशन करके अपना यूरोप और एशिया तक, जैसे हमें देखने को मिल रहा है होमो इरेक्टस होमो हेडलबर्गनेसिस पॉपुलेशन. ये जो यूरोप की पॉपुलेशन हमने पहले डिस्कस की थी, तो ये देखिए सेकंड थ्योरी. तो नाम से ही पता लग रहा है, अगर हम देखें रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट मॉडल, इसका मतलब है कि अफ्रीका से ओरिजिन हुए और इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को फैलाया और दुनिया में बहुत सारे प्लेसेस पर ये पहुंच गए. ओके, और सेकंड इज जो हम रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, दैट इज कि भाई बहुत सारे ओरिजिन इनके अलग अलग जगह पर, अफ्रीका में अलग है, प्लस इनका एशिया में अपना एक ओरिजिन है और अफ्रीका में इनका एक ओरिजिन है, और सभी ये अलग अलग टाइमलाइन पर वहां पर ओरिजिनेट हुए थे. ओके, सो देखिए ये दोनों थ्योरीज थी. आगे चलते हैं द रिप्लेसमेंट एंड रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल्स. अभी इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन वे में पढ़ते हैं. सो देखिए, जब हम एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे, सो देखिए हम देखते हैं कि दोज ह्यू सजेस्ट दिस argue that the enormous similarities among us modern humans is due to their descent from a population that originated in a single region which is Africa. So ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से समझिए. जो replacement model है वो तो visualize करता है कि complete replacement हुआ है everywhere of all older forms of humans with modern humans. देखिए human हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर modern humans के बारे में, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर modern humans के बारे में. तो इसके लिए मॉडर्न ह्यूमंस की जो ओरिजिन, उनकी दो थ्योरी है. एक है रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या कहती है कि भाई जो पुराने ह्यूमन थे वो बिल्कुल खत्म हो गए और इनकी जगह पर आ गए मॉडर्न ह्यूमंस. ये थ्योरी है रिप्लेसमेंट थ्योरी. ओके, थोड़ा डिटेल्ड भी है ये. और जो इस थ्योरी को सजेस्ट करते हैं, जो इसके लिए आर्ग्यू करते हैं, ओके, वो मानते हैं कि इनका जो डिसेंडेंट है वो अफ्रीका से हुआ था. जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं रिप्लेसमेंट थ्योरी को, वो उन सभी का मानना है कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, अफ्रीका से, और बाद में पूरी दुनिया में फैल गई. और इसका एविडेंस वो मानते हैं ओमो यूथोपिया के अंदर. यूथोपिया देखिए अफ्रीका में है, ये सबसे पहला यहाँ पर फॉसिल ये मिला था, तो इसीलिए यहाँ पर ये मान रहे हैं कि
अफ्रीका से ओरिजिन हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे रिप्लेस हो गए पूरी दुनिया के अंदर। सो दिस इज रिप्लेसमेंट थ्योरी, रिप्लेसमेंट मॉडल बेसिकली। और उसके बाद जो हमारा अगला मॉडल है वो है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, सो इनका मानना है, जो सेकंड थ्योरी है इनका मानना है कि बाय पॉपुलेशन हु माइग्रेटेड टू दैट पर्टिकुलर रीजन वेयर दे फाइनली सेटल्ड डाउन। ओके, और रीजनल कंटिन्यूटी इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे वहां पर कंटिन्यू होते गए और आगे बढ़ते गए, यूरोप एशिया तक ये फैलते गए। दोनों बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है इनको पढ़ना। अभी हम डायग्राम देखेंगे, इनका मॉडल देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए, रिप्लेसमेंट थ्योरी का क्या मानना है कि ये जो ओरिजिन है अफ्रीका से हुआ, उसके बाद यूरोप और एशिया में फैल गया, और फिर ये अलग से होमो मॉडर्न ह्यूमंस आए अलग से बिल्कुल अफ्रीका से। लेकिन देखिए, ये जो जॉइंट है सिर्फ अफ्रीका से है, यूरोप से नहीं है जॉइंट और एशिया से भी नहीं है। लेकिन रीजनल कंटिन्यूटी का क्या मानना है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस आए हैं वो अफ्रीका में अफ्रीका से ही आए हैं, यूरोप में यूरोप के ही आए हैं और एशिया में एशिया से ही आए हैं। इज दैट क्लियर? देखिए, रिपीट करते हैं, हम इसमें पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न ह्यूमंस का ओरिजन। हम होमो बींग्स होमो सैपियंस वगैरह का ओरिजन तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम सिर्फ मॉडर्न ह्यूमंस का यहाँ पर ओरिजन पढ़ने जा रहे हैं। सो देखिए, जो आज के टाइम के मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनका ओरिजन दो टाइप की थ्योरी है, रिपीट कि रिप्लेसमेंट और रीजनल। रिप्लेसमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका से ये फैल गए, देखिए सिर्फ अफ्रीका से, और रीजनल का मानना है कि जिस रीजन में थे वहीं से फैलते गए, अफ्रीका से फैलते गए, एशिया से फैलते गए और मॉडर्न ह्यूमन बींग्स दुनिया में आ गए। तो ये दोनों थ्योरी अलग अलग है, दोनों का अपना अपना एक आर्ग्यूमेंट है। सो ये देखते हैं आगे, अर्ली ह्यूमंस वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। लेकिन हमें जो मेन बातें पढ़ने की, जो अर्ली ह्यूमंस आए थे हमारे, उनका क्या तरीका था उनका जो फूड ऑब्टेन करने का क्या तरीका था, लेट्स सी। देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि गैदरिंग करते थे वो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपना गैदरिंग करते थे। ओके, हम देखिए शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे बिकॉज काफी बड़ा चैप्टर है। वो प्लांट्स वगैरह, उनके सीड्स, बेरीज, फ्रूट्स और ट्यूबर्स वगैरह को वो कलेक्ट करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए गैदरिंग था स्टार्टिंग की अर्ली स्टेज में। ओके, उसके बाद हमारे पास जो आगे आता है, द ओनली अदर वे ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट इनटेक वुड बी प्लांट रिमेन्स बर्न एक्सीडेंटली बर्नट, दिस प्रोसेस रिजल्टेड इन कार्बोनाइजेशन। देखिए कि भाई यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इस चीज़ के, थोड़ा सा कि गैदरिंग के जो डायरेक्ट एविडेंस अगर हम चाहते हैं, इसका एक डायरेक्ट एविडेंस तभी हो सकता है अगर हमें प्लांट के रिमेन्स मिल जाए वहां पर, प्लांट के रिमेन्स अगर उनको गलती से जला दिया गया हो, बिकॉज उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्बोनाइजेशन आ जाएगा, कार्बोनाइजेशन की वजह से हम कार्बन डेटिंग की हेल्प से उसका टाइमलाइन पता कर पाएंगे। ओके, सिंपल है कि भाई गैदरिंग का जो प्रूफ है उसको हम कार्बोनाइजेशन से पता लगा सकते हैं। इन रिसेंट ईयर्स द टर्म हंटिंग हैज बीन आल्सो डिस्कस्ड। देखिए, हंटिंग का भी डिस्कशन हुआ है, सबसे पहले गैदरिंग करते थे उसके बाद उन्होंने हंटिंग वगैरह शुरू किया। रीजन इज बाइपेडलिज्म, दो पैर पर चलने लगे, उनके पास अब फ्रीडम थी। ओके, अब वो सोच सकते थे कि वो लंबा जाएंगे तो उनको रास्ते में एनिमल्स, शिकार वगैरह मिलेंगे और वो इजीली शिकार कर पाएंगे। किस लिए करते थे भाई, मीट के लिए। ओके, मीट वगैरह के लिए, और या फिर जो एनिमल्स नेचुरली मर जाते थे उनकी स्किन वगैरह को यूज कर लेते थे। इट इज इक्वली पॉसिबल दैट द स्मॉल मैमल्स सच एज रोडेंट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इवन इंसेक्ट्स वर ईटन बाय अर्ली होमिनिड्स। देखिए, अर्ली होमिनिड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ होमो सेपियंस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम पढ़ रहे हैं दोनों के बारे में। बिल्कुल हम होमो से स्टार्ट कर रहे हैं कि उनका गैदरिंग का जो तरीका था वो था, उनका जो फूड का तरीका था वो गैदरिंग और हंटिंग। आगे चलते हैं, देखिए हंटिंग का जो टाइम लाइन माना गया है वो है प्रोबेबली 5 लाख ईयर्स अगो। सो देखिए, 5 लाख ईयर्स अगो इसका मतलब है कि अब माइग्रेशन शुरू हो गया था। आप सभी को पता है कि 2 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन तक इनका माइग्रेशन अब शुरू हो गया था इनका जो बेसिकली। तो उसके बाद ये आता है हमारे पास हंटिंग, बहुत लेट है। ओके, 20 लाख से और 5 लाख में बहुत अंतर होता है। और जो इसका अगर हम प्रूफ देखें, इसका एविडेंस देखें हंटिंग का, दैट इज इन बॉक्स ग्रोव, दो साइट्स पर मिला है, इंग्लैंड के अंदर, देखिए यूरोप, इंग्लैंड का है यूरोप में, एंड स्कोनिंगेन इन जर्मनी, और जर्मनी भी कहाँ पर है, यूरोप में। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये माइग्रेशन के बाद ही शुरू हुआ था। और यहाँ पर एक वर्ड है, देखिए फॉर एजिंग मीन्स सर्च फॉर फूड,
और ये वर्ड देखिए यहाँ पर आया था फॉरेस्ट, ये वर्ड दिख रहा है आपको, तो इसका मीनिंग है कि सर्च करना फूड के लिए। सो आपको ये समझ में आया होगा कि पहले गैदरिंग करते थे, उसके बाद इन्होंने हंटिंग करना शुरू किया। चलते हैं आगे। फिशिंग भी एक इनका मेथड था जिसकी वजह से अपना खाना ये प्राप्त करते थे। और ये हमें कहाँ से पता चला है, बहुत सारी साइट्स से हमें फिश की बोन्स भी मिली हैं अर्ली मिलियन ईयर्स अगो, पहले की साइट्स पर हमें उनके फॉसिल्स मिले हैं फिश के, तो इससे हमें पता लगता है कि यस दे डिड फिशिंग ऑल्सो। सो देखिए इसका जो एविडेंस है अभी हम देखते हैं सभी के एविडेंस, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस याद नहीं करना, हमें जस्ट ये देखना है कि वो कौन से कंटिनेंट में जा चुके थे उस टाइम तक। सो देखिए ये लगभग 35,000 ईयर्स अगो है, देयर इज एविडेंस ऑफ प्लांट हंटिंग फ्रॉम सम यूरोपियन साइट्स। देखिए 35,000 ईयर्स अगो यानी होमो नियंडरथेलनेसिस आ चुके थे यूरोप में, अब ये लोग आ चुके थे, और यहाँ पर हमें प्लानिंग के साथ हंटिंग का एक साइट मिला है जिसका नाम है डोनली वेस्टोनिस इन कजैक रिपब्लिक। और ये मैप आप जब बुक में देखेंगे ऊपर मैप मिल जाएगा, यहाँ पर हमने जो अभी गया था ये रिवर के किनारे था, तो अगर हंटिंग यहाँ पर हो रही है तो इसका मतलब फिशिंग की ये बात कर रहे हैं रिवर के किनारे पर, या फिर एनिमल्स वहाँ पर पानी पीने आते थे तो उसकी हंटिंग करते थे, ये सिर्फ हंटिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसके अंदर फिशिंग भी आ सकता है, उसके अंदर एनिमल्स का भी आ सकता है। हर्ड्स ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स सच एज रेनडियर एंड हॉर्स प्रोबेबली क्रॉस द रिवर। और बेसिकली इनका मानना है कि हॉर्स वगैरह बाहर से जाते थे और उनको बहुत स्केल में मारा गया था, लार्ज स्केल में उनकी किलिंग की गई थी, और अदर एनिमल्स भी क्विक थे मरने में, जैसे बड़े जो एनिमल्स उनको भी ये अपना शिकार बनाते थे और इस प्रकार से अपना खाना गैदर करते थे। अगला एक क्वेश्चन है इनका कि डिड मैन एंड वीमेन हैव डिफरेंट रोल्स इन गैदरिंग स्क्वेंजिंग हंटिंग एंड फिशिंग, वी डोंट रियली नो। देखिए इनका मानना है कि हमें एक्यूरेटली नहीं पता कि उस टाइम पर क्या अलग अलग रोल था, कि मैन और वीमेन दोनों इकट्ठे करते थे हंटिंग, या फिर दोनों अलग अलग से कुछ काम करते थे इसके बीच में। ओके इनका बस ये मानना है कि मैन अपना हंटिंग वगैरह के लिए जाते थे और वीमेन अपना कुछ एक्टिविटीज अदर करते थे, और उसमें मैन भी शामिल हो जाते थे उन एक्टिविटीज के अंदर, इनका ये मानना है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आने वाली आगे चैप्टर में, बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है। सो देखिए अर्ली ह्यूमंस ट्रीज से पेड़ों से वो केव्स गुफाओं में, गुफाओं से ओपन साइट्स में आ जाते हैं, कैसे भाई? देखिए हमें बहुत सारे टूल्स मिले हैं जो स्टोन टूल्स बनाते थे, वो टूल्स हमें हैंड एक्स वगैरह मिले हैं, ये मिले हमें केनिया के अंदर, तो ये केनिया कहाँ है? देखिए अफ्रीका के अंदर है, तो हमें अफ्रीका से ही देखने को मिल जाता है यहाँ पर स्टोन टूल्स। उसके बाद देखिए हाउ डिड दिस टूल्स एक्यूमुलेटेड इन वन प्लेस, देखिए भाई एक प्लेस में हमें ये टूल कैसे मिले, हमें क्यों अलग अलग क्यों नहीं मिले सभी टूल्स? इट इज पॉसिबल दैट सम प्लेसेस वेयर फूड रिसोर्सेज आर अबंडेंट वर विजिटेड रिपीटेडली, सिंपल बात कि भाई इनके यहाँ पर फूड का जो भंडार था वो ये ज़्यादा हो सकता है, और इसीलिए वो वहाँ पर बार बार जाते हो और अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो टूल्स हैं वहाँ पर ये रख देते हो। ओके उनके अंदर आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं, वहाँ पर रख देते हो, इसीलिए हमें एक जगह पर मिल गया था। द प्लेसेज दैट वर लेस फ्रिक्वेंटली विजिटेड, जो प्लेसेज कम विजिट किए गए वहाँ पर हमें कम आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले थे, अगर जो ज़्यादा विजिट किए गए वहाँ पर ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले थे। लेट सी यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, देखिए आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट अर्ली होमिनिड्स सच एज होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस कौन थे? टूल मेकर, पता है आप सभी को ये टूल मेकर्स थे होमो हैबिलिस। प्रोबेबली कंज्यूम मोस्ट ऑफ द फूड वेयर दे फाउंड इट, और वो मोस्टली वहीं पर खाना खा लेते थे जहां पर उनको वो खाना मिलता था, बिकॉज वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करते थे इसलिए वो एक जगह पर अपना खाना खा लेते थे। ओके सो देखिए यहाँ पर एक ट्री की फोटो दिखाई गई है, अगर इस फोटो में देखें तो होमिनिड्स ट्री पर रहते थे, बिल्कुल अर्ली होमिनिड्स की हम बात कर रहे हैं, वो ट्री पर ये रहते थे, तो वहां पर उनको आउल वगैरह मिल गए, देखिए उल्लू वगैरह मिल गए। ओके कुछ इन्होंने एनिमल्स वगैरह का शिकार कर लिया और पेड़ के पास इनको फ्रूट्स बेरीज वगैरह मिल गए, बिकॉज पेड़ के पास ही रहते थे, वहीं से एनिमल्स का ये गिलहरी हुई, जैसे और एनिमल्स हुए खरगोश हुए, इनका शिकार कर लेते और वहीं पर इनकी बोन्स वगैरह डाल देते खाने के बाद, दैट्स वाई हमें एक ही साइट पर बहुत सारा ये आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल जाता था, बिकॉज ये टूल्स का भी यूज करते थे, दैट्स द रीजन। देखिए आर्टिफैक्ट्स आर ऑब्जेक्ट, अभी आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पर एक डेफिनेशन आया हुआ है कि आर्टिफैक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं दैट आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स। ओके याद रखिएगा आर्टिफैक्ट्स अगर कहीं आ जाए तो आपको पता होना चाहिए दीज आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स। द टर्म कैन रेफर टू अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स, इसके अंदर पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनग्रेविंग्स, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। लेट्स सी, देखिए
अब पहले पेड़ पर रहते थे बिल्कुल अर्ली, केनिया की ये बात कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं 4 लाख से लेके 1,25,000 ईयर्स अगो, इसका मतलब जब ये माइग्रेट वगैरह कर चुके थे उसके बाद इनको घर की तलाश थी, तो इन्होंने देखिए केव्स में और ओपन एयर में रहना शुरू किया, इन्होंने इनको यूज करना शुरू किया। इसकी साइट्स हमें यूरोप में मिल जाएंगी। देखिए अभी मैंने बताया कि माइग्रेशन यानी यूरोप में, तभी इनको साइट्स मिल रही है, अफ्रीका से गए हैं। यहाँ पर लेजरेट केव है फ्रांस के अंदर, दैट इज 20x4 meter शेल्टर, ओके वो केव के साथ बनाई गई वो शेल्टर रहने के लिए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इज दैट इज टेरा अमाटा, एक और साइट है यहाँ पर टेरा अमाटा, ये सदर्न फ्रांस में है। फ्लिम्सी शेल्टर्स विद रूफ्स ऑफ वुड एंड ग्रासेस वर बिल्ट, यहाँ पर एक झोपड़ी बनाई गई थी देखिए, और झोपड़ी आप जान सकते हैं कि झोपड़ी सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही बना सकते हैं, ओके ऐसी प्रॉपर जिसके अंदर ग्रास और वुड का ये यूज किया गया है, ओके तो इसका सबूत देखने का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स आए थे कभी ना कभी एंड उन्होंने इसका यूज किया था, बेसिकली ओपन साइट्स का आप यूज करने लगे थे। उसके बाद वहाँ पर बेक्ड क्ले, बर्नट बोन्स यहाँ पर मिली है, तो इससे पता लग रहा है कि वहाँ पर उन्होंने डेफिनेटली फूड वगैरह अपना खाया है, एंड रिजल्ट ऑफ नेचुरल बुश फायर या वोल्केनिक इरप्शन। अभी एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो आग आई है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये थोड़ी सी एशेज देखने को मिले हैं, क्या ये किसी आग के कारण थे, बुश फायर या फिर वोल्केनो की वजह से भी हो सकते हैं, माइट बी, बिकॉज जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्वेश्चनिंग जरूर होगा, हम हर बात को बिल्कुल जैसा पढ़ रहे हैं वैसा हम अगर सोचेंगे तो हमारा माइंड का जो ब्रॉड वे नहीं होगा, अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है तो उससे हमारी थिंकिंग भी बढ़ जाएगी। और वर दे प्रोड्यूस डेलिबरेट कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर, या फिर वो आग हल्की सी कंट्रोल्ड वे में थी, और कंट्रोल्ड वे मतलब ह्यूमन बींग्स आग लगाते हैं जब हम कंट्रोल करके लगाते हैं, हमें पता है अभी इतना खाना पकाने के लिए हमें इतनी आग चाहिए, हमें इसका एक्यूरेटली अभी नहीं पता, हम जस्ट मान रहे हैं कि वहाँ पर हमें फायर देखने को मिली थी, सो वहाँ पर हम फायर की डिस्कवरी मान रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि फायर को वो यूज़ कर रहे हो गर्मी के लिए, केव्स के लिए, कुकिंग के लिए, ओके सो हम इस सभी मान रहे हैं। और दूसरी बात फायर का एक और यूज़ बता रहे हैं कि जो स्पीयर है, जो भाला है, उसकी टिप को आगे से गर्म करने के लिए, उसको थोड़ा सा शेप देने के लिए भी यूज़ कर लेते थे, बिकॉज आपने देखा है मूवीज़ में भी आप देखते हैं फायर से वेपन्स बनाए जाते हैं, टूल्स बनाए जाते हैं। लेट्स सी, अभी हम पढ़ते हैं टूल्स के बारे में। तो देखिए टू स्टार्ट इट इज यूजफुल टू रिमेंबर दैट द यूज ऑफ टूल्स एंड टूल्स मेकिंग आर नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमंस, सिर्फ ह्यूमंस ही टूल्स नहीं बनाते, बर्ड्स आर नोन टू मेक ऑब्जेक्ट्स टू असिस्ट देम विद फीडिंग, बर्ड्स भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं जो उनको हेल्प करते हैं फीडिंग के लिए, उनको हाइजीन के लिए एंड सोशल एनकाउंटर्स के लिए। आगे देखते हैं टूल मेकिंग, एप्स को पता नहीं थी तो डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स का ही यहाँ पर जिक्र होगा। देखिए मोर ओवर द वेज इन विच ह्यूमंस यूज एंड मेक टूल्स ऑफन रिक्वायर ग्रेटर मेमोरी एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल दैट आर बोथ एब्सेंट इन एप्स, रीजन अभी आप सोचेंगे कि एप्स को क्यों नहीं पता टूल्स का, बिकॉज उनके जो ब्रेन साइज है वो छोटा है तो उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो स्किल ह्यूमन बींग के पास होती है टूल्स बनाने के लिए, दैट्स द रीजन कि वो टूल नहीं बना सकते। और टूल्स के एविडेंस हमें मिले हैं यूथोपिया एंड केनिया, दैट इज इन अफ्रीका, एंड डेफिनेटली अगर अफ्रीका की बात आ रही है तो अर्ली ह्यूमंस जो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उनको माना जाता है कि वो अर्लीस्ट स्टोन मेक टूल मेकर्स थे, और आप सभी को पता है होमो हैबिलिस इनके बाद आए थे, इसका मतलब वो भी टूल, उनको स्टोन टूल्स बनाने अच्छे से आ गए थे लेकिन टूल मेकर्स भी थे वो, ओके तो एक्यूरेटली जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टोन के ही टूल्स वो बनाते हो, उनके टाइम पर कोई मेटल वगैरह भी यूज किया गया हो सकता है। आगे देखते हैं कि ये माना जा रहा है कि टूल्स मेकिंग जो है वो दोनों के द्वारा की गई होगी, मैन और वीमेन बोथ, वीमेन इन पर्टिकुलर टूल्स बनाते थे बिकॉज उनके चिल्ड्रंस को भी संभालना होता था और डेफिनेटली उनके पास टाइम भी होता था जब वो घर पे रहते थे तो टूल मेकिंग वो कर सकते थे। अबाउट 35,000 ईयर्स अगो इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक, अभी देखिए एनिमल की जो हंटिंग उसमें एक इम्प्रूवमेंट आता है, उनकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आता है, स्पीयर थ्रोर्स और बो एरो जो ये तीर वगैरह यूज करने लगे और इनको बनाया जाता था बोन्स वगैरह को रिमूव करके, ओके फॉलोड बाय ड्राइंग एंड स्मोकिंग एंड स्टोरेज, दस फूड कुड बी स्टोर्ड फॉर लेटर कंजप्शन। अभी देखिए अब जब ये शिकार कर पाते थे, ज्यादा शिकार करते थे और मीट को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने बोन्स वगैरह को रिमूव कर देते थे और बाकी मीट को ये अपना
स्टोर कर लेते थे लेटर कंजप्शन के लिए। तो इन्होंने ट्रैपिंग करना सीखा सो दैट बाद में उस एनिमल को मार सके, बिकॉज आप सभी को पता है अगर किलिंग पहले कर दी जाएगी तो माइट भी वो मीट सड़ जाए, तो इसलिए इन्होंने उसको ट्रैप करना शुरू किया। उसके फर के लिए भी उसका फर यूज कर लेते थे क्लोथिंग के लिए, प्लस स्विंग नीडल्स भी उससे बना लेते थे। तो देखिए अब जो ह्यूमन बींग स्टार्टिंग में आया था बेसिकली ऑस्ट्रेलोपिथेकस या होमो हैबिलिस, वो धीरे 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 होमो सैपियंस बन रहे थे। ओके और ये देखिए 21,000 ईयर्स अगो ये यहाँ पर धागे का यूज करके क्लोथ बनाने का सिलसिला आया है 21,000 साल पहले। इज दैट क्लियर? तो ये बातें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हल्का दिमाग में होना चाहिए कि कौन से साल में क्या आया था, सो दैट आप एक टाइमलाइन बना सके कि क्या वो कर रहे थे। देखिए पंच ब्लेड टेक्निक से टूल्स बनाते थे, कैसे होता था पंच ब्लेड, देखिए पहले पत्थर को ये मारते थे, बड़ा सा ये पेबल रिमूव करते थे हैमर से, और उसके बाद देखिए बी फ्लैट सरफेस कोल्ड स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म, फ्लैट सरफेस वहाँ से निकाल लेते थे, देखिए फ्लैट बना दिया है। थर्ड इज हैमर और पंच से मार के मेड ऑफ बोन और एंटल, ये देखिए बोन और ये भी बोन से बनाकर उसके शेप देते थे, उस पत्थर को शेप देते थे धीरे धीरे, और एक ऐसी शेप दे देते कि वो वेपन वो बेसिकली एक तैयार हो जाए उनके लिए टूल। ओके किसी भी यूज के लिए, किसी पर्टिकुलर यूज के लिए उनके लिए वो तैयार हो जाए। चलते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कि भाई वो किस टाइप की कम्युनिकेशन आपस में करते थे, क्या वो आपस में बातचीत करते थे, ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए बहुत सारे सेवरल व्यूज हैं लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए। हिस्टोरियंस का मानना है फर्स्ट दैट होमिनिड लैंग्वेज इन्वॉल्व्ड जेस्चर्स और हैंड मूवमेंट, माइट बी वो जेस्चर और हैंड से बात करते हैं आपस में। सेकंड दैट स्पोकन लैंग्वेज वॉज प्रिसीडेड बाय वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग और हमिंग, इनका मानना है। सेकंड जो इनकी थिंकिंग है वो है कि माइट बी वो सिंगिंग के तौर पर आपस में बात करते हो, उनके पास कोई एक वोकैबुलरी ना हो, ऐसे ही वो गानों से या फिर किसी भी जैसे बर्ड्स की आवाज़ निकाल के या किसी टाइप से वो बातचीत करते हो आपस में। ओके नॉन वर्बल, बोलकर नहीं आपस में कुछ इशारों से। थर्ड इज द ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगेन विद कॉल्स लाइक वंस दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड अमंग प्राइमेट्स, जो ह्यूमन स्पीच है वो माइट भी वो पहले जो यूज करते थे प्राइमेट उन्हीं की आवाज को यूज करते थे ये भी। ओके तो देखिए कुछ व्यू पॉइंट्स इनके अलग अलग, और इनका मानना है कि ह्यूमंस में है पोजेस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ स्पीच साउंड, कुछ का मानना है कि माइट भी इनके पास कुछ वर्ड्स हो बातचीत करने के, कुछ थोड़े बहुत जिनसे आपस में बातचीत कर सकते हैं। ओके व्हेन डिड स्पोकन लैंग्वेज एमर्ज, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन क्या उठता है कि भाई स्पोकन लैंग्वेज आई कब। ओके बिकॉज ये देखिए क्वेश्चन तो बहुत होंगे लेकिन हमें आंसर जानना है, हमें हमारे जो मन में क्वेश्चन है उसका आंसर जानना है। इन्होंने बोल दिया कि लैंग्वेज यूज कर रहे थे दिस, इन्होंने कुछ टाइप्स दे दी लेकिन हमारे दिमाग में है कि भाई एक्चुअल में आई कब वर्बल लैंग्वेज। सो देखिए इनका कहना है कि जो होमो हैबिलिस आए थे स्टार्टिंग में उनका ब्रेन कुछ फीचर्स थे सो दैट वो दे कैन स्पीक, वो स्पीक कर सके, तो प्रोबेबली माना जाता है कि 2 मिलियन ईयर्स अगो जब होमो हैबिलिस थे तब इन्होंने स्पीकिंग करना सीखा, तब इन्होंने कम्युनिकेशन करना सीखा। ठीक है सो यहाँ पर देखते हैं कि वोकल ट्रैक्ट वॉज इक्वली इंपॉर्टेंट, और वोकली इन्होंने अच्छे से जो एक लैंग्वेज का पार्ट है वो कब शुरू किया, वो शुरू किया 2 लाख ईयर्स अगो। ओके ये मॉडर्न ह्यूमंस के साथ माना जाता है। अर्ली देखिए अब दो बातें आएंगी, अर्ली के लिए माना जाता है 20 लाख ईयर्स अगो और मॉडर्न के लिए 2 लाख ईयर्स अगो, बिकॉज लैंग्वेज बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम, यू नो दिस थिंग, इज दैट क्लियर। थर्ड सजेशन जो है वो है कि भाई आर्ट जो कला का आविष्कार हुआ वो हुआ 40,000 से लेके 35,000 साल पहले, यानी 40,000 से लेके 35,000 ईयर्स अगो ये आविष्कार हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद आर्ट, और लैंग्वेज का एसोसिएशन आर्ट के साथ माना जाता है, बिकॉज जब हम कोई आर्ट बना रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमें वहाँ पर लैंग्वेज का यूज किया गया था, बिकॉज दोनों ही कम्युनिकेशन है मीडिया के। चलते हैं हम आगे, देखिए केव पेंटिंग सेल एट अल्टामीरा स्पेन में केव पेंटिंग्स देखने को मिली है, यहाँ पर इसके बारे में हम देखिए यहाँ पर बिसन की फोटो बनाई गई है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आर्ट वगैरह का प्रभाव था, वहाँ पर आर्ट वगैरह का यूज कर रहे थे वो लोग। लेट्स सी हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पर एक बात आती है जब हमने पेंटिंग देख ली है, हमने जब वहाँ पर आर्ट देख लिया है सो डेफिनेटली बहुत सारी पेंटिंग हमें देखने को मिली बिटवीन 30,000 टू 12,000 ईयर्स अगो, देखिए ज़्यादा पुराना नहीं है
30,000 टू 12,000 ईयर्स अगो। ये हमें फ्रांस में, स्पेन में यानी यूरोप में देखने को मिली। एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कौन कौन से एनिमल्स की ये पिक्चर बनाते हैं, दैट इज बिसन, हॉर्सेस, आइबेक्स, डियर, मैमोथ, राइनोस, लायंस, बियर्स, पैंथर्स, हाइनाज एंड आउल्स। तो इनकी ये पेंटिंग में यूज करते थे, इनका यूज किया जाता था। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई जो ये केव्स हैं, कुछ एरियाज हैं केव्स के, उनके पास पेंटिंग है और बाकी में नहीं, कुछ एनिमल्स की पेंटिंग है बाकियों की नहीं। ओके, मैन को दिखाया गया इंडिविजुअली, वीमेन को दिखाया गया ग्रुप्स में। ओके, मैन पेंटिंग करता था एनिमल्स के पास बट वीमेन नहीं करती थी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में हमारे उठते हैं इनके लिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, इनका सॉल्यूशन जानना बहुत जरूरी है। एक है कि वो हंटिंग में बिलीव करते थे, दैट्स वाई वो एनिमल्स की पिक्चर यूज करते थे। ओके, द पेंटिंग एसोसिएटेड विद रिचुअल एंड मैजिक, एक मानते हैं कि रिचुअल और मैजिक के साथ भी एसोसिएटेड एनिमल्स की, दैट्स वाई कि भी सक्सेसफुल हंटिंग हो इसीलिए वो एनिमल्स की वहां पर पेंटिंग बनाते थे। और दूसरा एक और एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पर मीटिंग होती हो माइट भी, और लोकेशन ये मार्क करने के लिए यहाँ पर हंटिंग टेक्निक्स लिखी गई हो, सो दैट आगे आने वाली जनरेशन को पता लगे कि ये हंटिंग टेक्निक्स हैं, और पेंटिंग से उनका मैसेज नेक्स्ट जनरेशन तक फैलाने के लिए यूज किया गया होगा। तो दोनों एक्सप्लेनेशन ही ठीक लग रही है यहाँ पर देखने की बात है, बिकॉज माइट बी कि वो सक्सेसफुल हंटिंग के लिए वहाँ पर एनिमल्स की पिक्चर बना के जाते हैं, सेकंड माइट भी कि अगली जनरेशन तक वो मैसेज पहुँचाने के लिए वहाँ पर टेक्निक लिख कर गए हों हंटिंग की, सो दैट उनको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो प्रॉब्लम्स ये फेस कर रही थी। ओके, चलते हैं हम आगे, अर्ली एनकाउंटर्स विद हंटर गैदरर्स इन अफ्रीका। तो लेट्स सी, हम अर्ली एनकाउंटर्स देखते हैं अफ्रीका के अंदर, जो हमारे हंटर गैदरर्स थे। देखिए अर्ली एनकाउंटर्स विद हंटर गैदरर्स इन अफ्रीका, द फॉलोइंग इज एन अकाउंट बाय अ मेंबर ऑफ अफ्रीकन पाशल ग्रुप अबाउट इन द इनिशियल कॉन्टैक्ट इन 1817 विद द कुनसैन अ हंटर गैदरर सोसाइटी। ये एक अकाउंट दिखाया गया है यहाँ पर, और इनके बारे में बेसिकली थीम 8 और थीम 10 में पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं, देखिए अभी हम आगे पढ़ते हैं हंटर गैदरर सोसाइटीज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। अभी हम बेसिकली हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखिए पहले ही बता देते हैं हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा बेसिक हर चीज का जो हम आगे पढ़ने वाले हैं डीप लेवल पर। तो देखिए हंटर गैदरर्स हम पढ़ेंगे आज के टाइम से लेके पास्ट के जो हमारे हंटर गैदरर्स रहे हैं। सो लेट सी, देखिए इनका मानना है कि वेदर द इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग हंटर्स एंड गैदरर्स कुड बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड पास्ट सोसाइटी। देखिए आज के टाइम की जो नॉलेज है उसको हम पास्ट को पढ़ने में भी यूज कर देते हैं। करंटली देर आर टू अपोजिंग व्यूज। देखिए हंटर गैदरर्स के लिए दो अपोजिंग व्यूज हैं आज के टाइम पर। वन, पहला व्यू है उन स्कॉलर्स का हु डायरेक्टली अप्लाइड स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम द प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटी टू इंटरप्रेट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। एक है उन स्कॉलर्स का जो आज के टाइम का डाटा यूज करके पास्ट के हंटर गैदरर्स के बारे में पता लगाते हैं। जैसे कुछ का मानना है कि होमिनिड साइट जो डेटेड बैक है 2 मिलियन ईयर्स अगो अलोंग द मार्जिन ऑफ लेक टुर्काना कुड हैव बीन ड्राई सीजन कैंप्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। उनका मानना है कि वो माइट बी कैंप रहा हो वहाँ पर अर्ली ह्यूमंस का। और दूसरी जो स्कॉलर्स की एक साइड है वो है हु फील दैट एथनोग्राफिक डाटा कैन नॉट बी यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग पास्ट सोसाइटीज एज टू आर टोटली डिफरेंट। देखिए दोनों को समझते हैं अभी। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली क्या है? ये होता है एक स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन कल्चर को पढ़ना कि ये कल्चर कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से आया, उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ। तो फर्स्ट सोसाइटी तो क्या करती है, एंथ्रोपोलॉजी को यूज करती है और उसके कल्चर को देखती है और वहां से वो बताते हैं कि पास्ट में ऐसे रहे होंगे ये लोग। ओके, लेकिन सेकंड है वो मानते हैं कि एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ कंटेम्परेरी एथनिक ग्रुप्स। एथनोग्राफी है कि जो उस टाइम पर बहुत सारी प्रजाति रही होंगी, एथनिक ग्रुप्स रहे होंगे, उनके बारे में पढ़ना एक साथ।
उनका मानना है कि अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो इससे नहीं पता चलेगा एग्जैक्ट, ठीक है, आज के टाइम के इंटर गैदर से हमें पास्ट का नहीं पता चलेगा कि वो कैसे थे। इनकी बात भी अपनी तरफ देखिए, इनकी आर्ग्यूमेंट अपनी साइड ठीक है और उनकी आर्ग्यूमेंट भी ठीक हो, लेकिन हमें देखना है कि दोनों का मानना क्या था और फिर हमें कंक्लूजन निकालना है। फॉर इंस्टेंस प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज परस्यू सेवरल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिकॉज सेकंड जो स्कॉलर्स का ग्रुप है उनका मानना है कि आज के टाइम पे जो हंटर गैदरर्स है वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं एज कम्पेयर टू पास्ट वन। ओके, सो देखिए ये जो दोनों एक्टिविटी है ये हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं और लेट्स सी ये दो थ्योरीज थी इनके अंदर बस। नेक्स्ट इज एपिलोग। सो देखिए एपिलोग क्या बता रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए एपिलोग का यहाँ पर मीनिंग है उपसंहार। ओके, यानी बेसिकली ओवरऑल क्या कहना चाह रहा है ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ये बोल रहा है कि बहुत सारे मिलियन ईयर्स अगो से ह्यूमंस हंटिंग गैदरिंग पर जी रहे थे, लेकिन 10,000 से लेके 4,005 ईयर्स अगो से लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, अभी तक हम हंटिंग गैदरिंग पढ़ रहे थे तो हमें पता चलता है कि 10,000 साल पहले लगभग हमने डोमेस्टिकेशन मतलब भेड़ बकरी वगैरह जो हमारे एनिमल्स हैं कुछ उनको पालना शुरू किया, घर पे उनके साथ फार्मिंग करनी शुरू की। ओके, उनका पालन पोषण करते साथ के साथ हम क्या करते हैं फार्मिंग। अब आप समझ जाएंगे कि फार्मिंग जहाँ होती है वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलप सॉरी वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को जरूर मिलेगा। ओके, अर्ली हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। सो देखिए ये हमारा कंक्लूजन है चैप्टर का, हम करते हैं इसको शॉर्ट में। देखिए लास्ट आइस एज जो है वो लगभग 30,000 ईयर्स को खत्म हो गई थी, जो वार्म क्लाइमेट शुरू हो गया था वहां पर, और स्टार्ट कब हुई थी, ये हुई थी 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद खत्म कब हुई 30,000 ईयर्स अगो। कंडीशंस फेवरेबल होने लगी, घास उगने लगी, धीरे धीरे स्पीसीज बढ़ने लगी, कैटल गोट पिग, इसीलिए इन्होंने डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया। ग्रास बहुत थी, एनिमल्स को खाने के लिए बहुत मिल रहा था वहां पर, दैट्स व्हाई उनको हंटिंग के बजाय उनको लगा हम इनको पालेंगे तो हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो देखिए यहाँ पर है कि एक हमारा एविडेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फार्मिंग का और पास्टरलिज्म का जो 10,000 साल पहले था, दैट इज इन जैगरोस माउंटेन इन ईरान। तो ईरान आप सभी को पता है एशिया के अंदर है, यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ डोमेस्टिकेशन देखने को मिल जाता है, तो इसलिए परमानेंट हाउस भी बनेंगे, बिकॉज जहाँ पर खेती करेगा तो वहाँ पर उसको परमानेंट हाउस भी बनाना पड़ेगा। ओके, परमानेंट हाउस वगैरह बनाना शुरू किया, मड ब्रिक्स इवन स्टोन भी यूज करना शुरू किया। और ये कुछ पुराने गांव हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट आज के टाइम पर मानते हैं कि गांव की सभ्यता कब शुरू हुई, ये 10,000 साल पहले गांव वगैरह बनाने शुरू किए ईरान से शुरू हुआ ये जैगरोस माउंटेन्स में। फार्मिंग के बाद इन्होंने देखिए क्या किया कि 5,000 साल पहले इन्होंने सिटीज वगैरह बनानी शुरू की जहाँ पर लोग इकट्ठा रहते थे, जहाँ पर इन्होंने खुद का एक मार्केट बनाना शुरू किया और वहाँ पर सामान का आदान प्रदान होता था। इसके बारे में हम थीम टू में पढ़ेंगे कि भाई सिटीज और अदर सेटलमेंट कैसे बने। तो देखिए अब हम जो हमारी सभ्यताएं हैं सिटीज हैं जो हमारी उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, मेसोपोटामिया हड़प्पा वगैरह। तो देखिए अब हम बिल्कुल अर्ली ह्यूमन से शुरू किया हमने और अब हम शहरों तक आ गए हैं। सो ये देखिए हमने ह्यूमन बीइंग्स प्लस हमारी सोसाइटी में चेंजेस को देखा। सो हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इससे हमें पता लगता है कि हमारे अंदर जो ये बदलाव आए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हम कैसे थे, अभी हमारा क्या चेंजेस हैं, सो ये सब कुछ हमें जानने को मिलता है। सो देखिए अगर आप इस टाइमलाइन को पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इस टाइमलाइन को हम एक बार देख लेते हैं सो दैट हमें अच्छे से याद हो जाए। सो फर्स्ट इज 36 to 24 मिलियन ईयर्स को, देखिए बिल्कुल अर्ली बिल्कुल बहुत पहले के, तब आए थे प्राइमेट्स मतलब ह्यूमन बीइंग्स अभी नहीं आए थे। कहाँ पर आए थे, मंकीज आए थे एशिया और अफ्रीका में। सेकेंड 24 मिलियन ईयर्स को से लेके 6.4 तक ये आए थे सुपर फैमिली यानी गिबन्स चिंपैंजी ये आने लगे थे। ध्यान रखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए सबसे पहले आए मंकी, फिर आते हैं हमारे पास गिबन्स और चिंपैंजी। ओके, फिर 6.4 पे पास आते हैं हमारे पास होमिनोइड्स, ये जो चिंपैंजी वगैरह है इनके अंदर से होमिनिड्स का ओरिजिन होता है। ओके, होमिनिड्स का ओरिजिन यहाँ पर हो जाता है। सबसे पहले ह्यूमन जो आए वो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दैट इज 5.6 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद हमारे पास 2.6 से लेकर 2.5 तक हमारे स्टोन टूल्स यानी हैबिलिस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, होमो हैबिलिस। देखिए आप जो याद किया है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको लिंकअप करने के लिए।
2.5 से लेके 2.0 तक मिलियन ईयर्स अगो की बात यहाँ पर चल रही है। कूलिंग वगैरह होना शुरू हुआ, आप सभी को पता है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो में क्या आई थी, आइस एज। ओके, आइस एज अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से तो आइस एज का 2.5 मिलियन ईयर्स अगो टाइम था। तो ग्रासलैंड बनने लगे, यानी अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो लोग, खत्म होने लगे। अभी किसका जन्म होता है, होमो लोगों का। तो देखिए अगर आप 2.52 एंड 2.52, तो देखिए होमो लोग इसी टाइम आए थे, दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम। इसके बाद देखिए इसी बीच 2.5 से लेके 2.0 के बिल्कुल बीच में होमो जब आए थे तो होमो एबिलिस आए थे सबसे पहले, फिर 2.0 के बाद 1.8 में होमो इरेक्टस जो अपराइट पोस्चर रखते थे, हैबिलिस थे टूल मेकर्स, एंड 1.3 में आए थे एक्सटिंक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखिए एक्सटिंक्शन शुरू कब हुआ था, यहाँ पे शुरू हुआ था 2.5 से, खत्म कब हो गए थे लगभग 1.3 पे ये खत्म हो गए थे। इसके बाद हमारे 0.8 पर आते हैं होमो सेपियंस, जो होमो हिडलबर्गनेसिस, यानी हम माइग्रेट कर चुके थे। देखिए 2 मिलियन ईयर्स अगो हम माइग्रेशन शुरू कर चुके थे, ओके, दैट्स वाई हमें 0.8 में हमें होमो हिडलबर्गनेसिस, यानी हिडलबर्ग जर्मनी के अंदर, जर्मनी कहाँ पर है, यूरोप में, हमें होमोस देखने को मिल गए थे। एंड 0.19 से लेके 0.16 मिलियन ईयर्स अगो में हमें होमो सेपियंस जो मॉडर्न ह्यूमंस है वो देखने को मिल गए थे। इज दैट क्लियर? इसका मतलब 190,000 से लेके 160,000 साल पहले हमें मॉडर्न ह्यूमंस देखने को मिले हैं, ओके, यानी आप 200,000 लगा लीजिए नियरली आपको याद करने के लिए। अभी ये कुछ टाइमलाइन है नंबर टू जो आपको याद करनी है, ये कि भाई सबसे पहले ब्यूरियल्स कब शुरू हुए, 300,000 साल पहले। होमो इरेक्टस कब खत्म हुए, 200,000 साल पहले, बिकॉज आपने अभी पढ़ा था मॉडर्न ह्यूमंस कब आए, 200,000 साल पहले आ गए थे, यानी 1.9, ओके, यानी हम उसको 200,000 के नियर अबाउट मान रहे हैं। तो ये एक्सटिंक्ट हो गए थे इरेक्टस। वॉइस बॉक्स कब आया, ये भी लगभग उसी टाइम पर आया जब मॉडर्न ह्यूमंस आए, 200,000 साल पहले। तो आप देखिए इसकी ट्रिक बना लीजिए याद करने की, कि भी बरी का तो आपको याद करना पड़ेगा कि 300,000, देखिए मॉडर्न ह्यूमंस कब आए, 200,000 ईयर्स पहले, यानी उनसे पहले कौन थे, इरेक्टस खत्म हो गए थे। मॉडर्न ह्यूमंस ने बोलना शुरू किया, यानी वॉइस बॉक्स भी कब आया, 200,000 साल पहले। उसके बाद होमो सेपियंस का जो स्कल मिला है वो कहाँ मिला है, वो 200,000 से लेके 130,000 साल पहले का मिला है हमें पुराना, ठीक है, सबसे पुराना जो स्कल मिला है वो इतने साल पुराना है, वो भी सिंपल बात है, बिकॉज मॉडर्न ह्यूमन 200,000 साल पहले है तो स्कल भी इतना ही पुराना होगा, तभी हमें पता है। और मॉडर्न ह्यूमंस बिल्कुल जो मॉडर्न आज के टाइम के, उनका जो इमरजेंस है वो माना जाता है 1,95,000 से लेके 1,60,000 तक का। और नियंडरथेल्स, ओके, नियंडरथेल्स इनके बाद आए थे, बिकॉज अलग अलग जगह पर ही जा रहे थे। नियंडरथेल्स कौन है, जो नियंडर वैली में पाए जाते हैं, ओके, जो नियंडर वैली में पाए गए थे यहाँ पर, वो आए थे 130,000 साल पहले। उसके बाद हर्ट्ज का जो एविडेंस है वो मिला है 125,000 साल पहले। नियंडरथेल्स का एग्जिस्टेंस होने लगा कब, 35,000 ईयर्स के आसपास, ओके, कुछ अभी भी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका एक्सटिंक्शन का मतलब है इनकी जो पॉपुलेशन है वो डाउनग्रेड होती गई, ओके। फायर का जो आविष्कार वो माना जाता है 27,000 ईयर्स अगो। बेसिकली फायर तो पहले ही आ गया था, लेकिन फायर से बने हुए फिगर्स जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं फायर का यूज करके, मिट्टी को टाइट करके, वो लगभग 27,000 साल पहले। और नीडल्स को, सुई वगैरह का आविष्कार हुआ 21,000 साल पहले। तो इनमें से आपको कुछ याद करने हैं बेसिक, ओके। तो देखिए ये था हमारा टाइमलाइन नंबर टू, सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर, एंड वी विल मीट अगेन विद थीम टू के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर है सिटी लाइफ। तो देखिए इसमें हमने सिटी लाइफ तक का पढ़ लिया, लेकिन सिटी लाइफ स्टार्ट नहीं किया। सो थैंक यू एवरीवन, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड दिमाग में जरूर रखें जब भी आप हिस्ट्री वगैरह या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वाई एंड हाउ एक क्वेश्चन पुट अप करें, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सीख सकें। सो थैंक यू।